सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अवनीश चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री हैं। इस टाइम में सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, वो है एक बढ़िया कैमरा वाला स्मार्टफोन। अगर वो मिल जाए तो लाइफ सेट है ना। पर ये फ़ोन कौन सा खरीदें ताकि आपको पता चल सके इस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और ये आपके लिए बेस्ट है, आपको ख़रीदना चाहिए। सो गाइस, आज मैं कुछ बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा जिसे आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए गाइस। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं टेक्निकल अवनीश वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट्स। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले एक बात, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आया? इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आया कि मैंने जो अपने पिछले ब्लॉग में जो बोला था, बात आपको बताया था, एक प्रॉब्लम शेयर किया था, तो वो है एक्चुअल वजह कि मैं उस वजह से वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। अभी भी वही प्रॉब्लम चल रहा है, कब तक चलेगा मुझे पता नहीं है। मैं इसलिए बाहर ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर स्टूडियो के अंदर वीडियो शूट करूँगा तो वो आपको एडिटिंग लग ही जाएगा, मुझे तब आप गाली याद हो गए। तो मैं ये नहीं सब चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश मूड में मेरे आवाज़ को ठीक से सुन सको, कुछ भी एडिटिंग आपको नहीं लगे। तो इसलिए मैं बाहर शूटिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपने उस वाला ब्लॉग नहीं देखा अभी तक तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे पहला जो फ़ोन है वो है गूगल पिक्सल XI। इस टाइम में पॉपुलर स्मार्टफोन में से ये स्मार्टफोन सबसे ऊपर आता है। इसमें आपको रियर कैमरा मिल जाएगा 12.3 मेगापिक्सल, फेस डिटेक्शन, लेजर ऑटो फोकस, डुअल LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल कैमरा। अब अगला स्मार्टफोन है एप्पल आईफोन 7 प्लस। इसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, 2x ऑप्टिकल जूम, डुअल LED फ्लैश, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर, टच फोकस, स्माइल डिटेक्शन, इतने सारे फीचर्स के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 7 मेगापिक्सल फेस डिटेक्शन वाला कैमरा। अब अगला स्मार्टफोन है OnePlus 5। ये स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट है जिसमें आपको रियर में डुअल कैमरा मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, 1.6x ऑप्टिकल जूम और डुअल LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल कैमरा। अब अगला स्मार्टफोन है सोनी एक्सपीरिया XZ प्रीमियम। इस स्मार्टफोन में सबसे खास बात यही है कि इस स्मार्टफोन की मदद से आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इसमें आपको रियर में 19 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा लेजर ऑटो फोकस और LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल कैमरा। अब अगला स्मार्टफोन है LG G6। LG ने अपना जो मॉड्यूलर था उसको थोड़ा सा डिजाइन करके पिछले साल ही चेंज कर दिया था। कंपनी उसमें वही सेम सेंसर यूज किया है जो वाइड एंगल वाला है, और इसमें एक प्राइमरी लेंस भी है जो आपको कैमरा जूम करने में मदद करता है। पर अब सवाल आता है कि इसमें कैमरा कितना मिलेगा? भाई, इसमें कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और LED डुअल टोन फ्लैश के साथ, 5 मेगापिक्सल कैमरा आपको फ्रंट में मिल जाएगा। और लास्ट में एक ऐसा कैमरा क्वालिटी के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा जो सुन के आप चौंक जाएंगे। उस स्मार्टफोन का नाम है हवाई ऑनर 10। इसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल प्लस 24 मेगापिक्सल, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, LED डुअल फ्लैश और टच फोकस के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया कैमरा 24 मेगापिक्सल का, वो भी फुल HD। तो अगर आप इसे परचेस कर सकते हैं तो आप Amazon से परचेस कर सकते हैं या फिर Flipkart से भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बढ़िया सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक अलग वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।